हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज वन अजर्शन वन रीजन। अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन कहता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, वेयर इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? कप्पा। ठीक है, कप्पा क्या करता है? डिक्रीज होता है विद डाइल्यूशन। क्लियर? एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है लैम्डा ई, इट इज लैम्डा ई। सो लैम्डा ई क्या होता है? कप्पा अपॉन नॉर्मैलिटी। और नॉर्मैलिटी क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, दैट इज एन ऑफ ई मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये लैम्डा ई हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। सो ये स्टेटमेंट अजर्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है कि डाइल्यूशन पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। इसका रीजन क्या है कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सीसी डिक्रीजेस बट टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस कंसिडरेबली रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली मैनर में ये रीजन लिखा हुआ है, यानी कि इतना पोर्शन तो आपका किसके लिए एप्लीकेबल है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये बिल्कुल सही है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस वजह से डिक्रीज होता है कि पर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं। बट यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ये जो रीजन लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नहीं, टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं, ये सिंपली क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये समझना जरूरी है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो यहाँ से ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट निकल के आता है, रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। ये एन है।